बारिश में गरम गरम अदरक वाली चाय और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े, और वो भी इमली चटनी के साथ। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो तो मुझे बता दीजिए। हे गाइस, होप यू आर फाइन एंड सेफ। तो जैसा मैंने अभी कहा कि आज मैंने बनाए हैं क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े, बहुत मस्त और बहुत क्रिस्पी, स्वीट कॉर्न का स्वीटनेस और चिल्लीज का तीखापन, ऐसा मिक्स फ्लेवर का कॉम्बिनेशन वाले ये पकोड़े बन चुके हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप भी ये पकोड़े बनाइए, फ़ोटो खींचिए और हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे टैग करिए। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। तो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है स्वीट कॉर्न। यहाँ पे मैंने 1.5 कप स्वीट कॉर्न लिया है, 3/4 कप बेसन, 1 छोटा प्याज, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हिंग, 1 टेबलस्पून सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। स्वीट कॉर्न उबालने के लिए पानी और डीप फ्राइंग के लिए तेल। तो सबसे पहले हम पानी उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख लिया है, हम इसे ढक के रखेंगे, यानी पानी जो है जल्दी से उबल जाए। तो जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक काट लेंगे। तो हम अदरक फाइन चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक के बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अभी उसी तरह से हरी मिर्च, ये ऊपर का हिस्सा निकाल लिया और हम इसे फाइन चॉप ही करेंगे। हरी मिर्च भी हो गई है फाइन चॉप, और अभी हम प्याज काटेंगे। प्याज आप फाइन चॉप कर सकते हो या फिर रफ चॉप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा ये जो प्याज है वो मीडियम चॉप करूँगा। इस तरह से यहाँ पे हमने सब कुछ चॉप कर लिया है। अभी पानी भी हमारा उबल गया है, अभी हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो पानी भी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, हम इसे 1 से 2 मिनट ढककर इसके अंदर रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये कॉर्न जो है अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस ऑफ करके ये सारा पानी निकाल लेंगे, और अब हम डीप फ्राइंग के लिए तेल गरम करने रखेंगे। तो स्वीट कॉर्न रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद में हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन ऐड कर लेने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न की खुशबू ही बहुत बढ़िया आती है। ये अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, हिंग, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और बड़ी सौंफ। हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च और अदरक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो अभी पानी सफिशियंट है या नहीं ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे, और ये देखिए ये गिरना नहीं चाहिए, इस तरह से इसका हल्का सा बॉल तैयार होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर
तेल गरम हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम हमारी हमेशा की ट्रिक यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बैटर पैन में डालेंगे और अगर जल्दी से ये फ्लोट हो जाए और इसके बाजू आजू में बबल्स आ जाए तो समझ जाना चाहिए तेल गरम है। ये देखिए तेल परफेक्ट गरम है। अभी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हो इसके आजू बाजू के बबल सारे कम हो गए हैं तो अब हम इसे निकालेंगे। तो अभी इस तरह से हम सारे पकोड़े डीप फ्राई करेंगे। पकोड़ों की साइज हमें मीडियम रखनी है यानी ये पूरे अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। वाओ, इतना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है।